हमारा पहला सवाल है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? दोस्तों इसका आंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करें। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 5 सेकंड। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन दोस्तों कमेंट ज़रूर करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसका सही आंसर है अमोनिया गैस। दूसरा सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के गांव का क्या नाम है? इसका सही आंसर है बड़नगर। तीसरा सवाल है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल सवाल है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिलने वाली है। इसका सही आंसर है 15 जून को। चौथा सवाल है, धरती का सबसे पहला फल कौन सा है? दोस्तों अभी तक आपने एक भी सवाल का जवाब कमेंट नहीं किया है, तो अपना जवाब कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर है केला। पांचवा सवाल है, इंसान का दिमाग कितनी उम्र तक बढ़ता है? इसका सही आंसर है 40 वर्ष तक। छठवां सवाल है, चीनी की खोज किस देश में हुई थी? इसका सही आंसर है भारत में। सातवां सवाल है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? दोस्तों हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। इसका सही आंसर है कॉर्निया। आठवां सवाल है, किस देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? दोस्तों आंसर देखने से पहले आंसर कमेंट किया करें, बाद में आंसर देखा करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसका सही आंसर है भूटान देश में। नौवां सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी महिला नहीं है? दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो अगर आप रोज सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज सबसे पहले देखने को मिलती रहे। इसका सही आंसर है वेटिकन सिटी। दसवां सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो कभी नहीं मरता? इसका सही आंसर है जेलीफिश। तो दोस्तों आप इनमें से कितने आंसर सही दे पाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज को वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।